कोरोना संकट के बीच जारी लॉकडाउन 4 के दौरान ट्रेन और सड़क मार्ग से बिहारी प्रवासियों का आना लगातार जारी है। रेलवे स्टेशनों से लेकर सड़क मार्गों पर तैनात जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिसकर्मी लगातार मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। इस दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि बिहार के बाहर से आने वाले बिहारी श्रमिकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। लॉकडाउन के दौरान सरकारी स्तर पर कुछ रियायतें तो दी गई हैं, बावजूद इसके कुछ शर्तों के साथ ही लोगों को इसका लाभ दिया गया है। लॉकडाउन 4 के दौरान नियमों के अनुपालन को लेकर जिले के सीमाओं पर भी पुलिसकर्मी लगातार मुस्तैद नजर आ रहे हैं और इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि बाहर से आने वाले प्रवासी लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। इतना ही नहीं, वैसे गरीब और असहाय लोगों को बक्सर पुलिस आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान भी कर मानवता का मिसाल पेश कर रही है। स्पष्ट रूप से है कि बिना पास कोई गाड़ी यहाँ से एंट्री नहीं करती है। जिला प्रशासन के द्वारा या ऑथराइज ऑफिसर के द्वारा जो पास यहाँ पे निर्गत किया गया है उसी गाड़ी का हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं और इनको बारीकी से इनका पास देखा जाता है कि पास इनका वैलिड है कि नहीं, क्या कंडीशन है। इसके बाद गाड़ी का एंट्री करने के बाद इनको छोड़ते हैं। आने वाले जो प्रवासी श्रमिक है उनके लिए क्या व्यवस्था है? आने वाले जो प्रवासी यहाँ पे उनको यहाँ पे हम लोग उनका सारे लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद पानी उनी बिस्किट वगैरह का हम लोग यहाँ पे इंतजाम करते हैं किया है और इनको एंट्री करने के बाद इनको बस में भेजा जाता है। वहाँ पे बिहार पब्लिक स्कूल में लोग जाते हैं, वहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन होता है और इनको अपने प्रखंड वाइज जो जहाँ जहाँ है इनको वहाँ पे जाके क्वारंटाइन करने के लिए इनको भेजा जाता है। हमारे जो बक्सर के हैं उनको यहाँ पे हम क्वारंटाइन करते हैं। अभी सर एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है कि मतलब यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उसको व्यक्तिगत रूप से भी आर्थिक मदद आप लोग कर रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसा होता है जो गरीब गुरबा देखते हैं हम लोग रहता है, तो मतलब मानवता के नाते इन लोगों को हम लोग जितना मदद हो सके, जितना संभव हो सके उतना हम लोग इन लोग करते हैं।